पंजाब में दफा 144 के खिलाफ दरख्वास्त पर दो सफात का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त बाकायदा समाअत के लिए मंजूर करके नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने दरख्वास्त पर एडवोकेट जनरल पंजाब को भी मुआवनत के लिए तलब कर लिया है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं शकील सईद से। जी शकील, बताइएगा इस फैसले के बारे में। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के मिस्टर जस्टिस शाहिद करीम ने दफा 144 के खिलाफ दरख्वास्त पर दो सफात का तहरीरी फैसला जो है वो जारी कर दिया है। अदालत ने दरख्वास्त को बाकायदा समाअत के लिए मंजूर करते हुए नोटिस जारी कर दिए हैं और एडवोकेट जनरल पंजाब को जो है वो मुआवनत के लिए तलब कर लिया है। अदालत ने अजहर सदीक एडवोकेट की वसादत से दायर दरख्वास्त पर जो है ये तहरीरी फैसला जारी किया है। दरख्वास्त में कानूनी निकात जो है वो उठाए गए हैं। अदालत ने दफा 144 पर दर्ज मुकदमात की तफसीलात भी जो है वो तलब की हैं। फैसले में कहा गया है कि सरकारी वकील ने बताया कि पंजाब काबीना ने इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स पर दफा 144 का निफाज जो है वो किया था। दरख्वास्त में दफा 144 को नफाज को जो है वो चैलेंज किया गया है। दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई 10 जुलाई को जो है वो होगी। शकील सईद, आपका शुक्रिया।